हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा दर्नियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, विंटर चल रहा है, सर्दियों का सीजन आ गया है और सर्दियों में तो लड्डू गजक ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं सभी को। तो आज हम आपके लेके आए हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। इम्यूनिटी से भरपूर हैं, ताकत वाले लड्डू हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर ड्राई फ्रूट लड्डू। ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें लिए हैं हमने एक कप लोटस सीड्स यानी कि फूल मखाने, आधा कप हमने लिया है यहाँ पे हरा वाला पिस्ता, एक कप हमने लिया है बादाम, एक कप हमने लिया है काजू, एक कप हमने लिया है अखरोट और आधा कप हमने ली है किशमिश। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। दो चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है मगज के बीज। आप यहाँ पे छोटे वाले भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे बड़े वाले बीज लिए हैं। और हमने यहाँ पे दो चम्मच लिए हैं खसखस के दाने। इसके अलावा हम लेंगे इलायची पाउडर और काली मिर्च। ये काली मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो लीजिए वरना स्किप कर दीजिए। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे। मैं आपको कट करके बता देती हूँ इस तरीके से। देखिए, हमें बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। काजू हमने टुकड़ी वाले लिए हैं, अगर आप चाहें तो साबुत वाले भी ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने काजू के पीस कर लिए हैं। इसी तरह से हम बादाम अखरोट सभी को कट कर लेंगे। देखिए, हमने सभी ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। लोटस सीड को अभी हमें कट नहीं करना है, इसको हम फ्राई करने के बाद में कट करेंगे। हमने लिया है एक पैन और पैन में डाल देंगे लगभग हम 3 से 4 चम्मच देसी घी। घी गर्म हो चुका है, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को हम घी में डाल देंगे। किशमिश हमें नहीं डालनी है, किशमिश को हम सबसे लास्ट में फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, अखरोट और हरे पिस्ता डाल दिए हैं। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्रंच आने तक हमें रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स में हल्का सा क्रंच आ चुका है और देखिए कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इनको पैन से अलग निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे जो लोटस सीड्स लिया है इसको हम डाल के फ्राई कर लेंगे। लोटस सीड भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम अलग बर्तन में निकाल देंगे। हमने लिया है पैन और पैन में डाल दिया है 1 चम्मच घी। इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले मगज के बीज, खसखस के बीज और लड्डू में डालने के लिए जो हमने किशमिश रखी है उनको भी हमें यहीं डाल देना है। देखिए, किशमिश, मगज के बीज और खसखस के बीज भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं। लोटस सीड्स को आप चाहें तो कट कर लें वरना इस तरह से क्रश भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने क्रश कर लिए हैं सभी लोटस सीड्स को। हम इसी तरह से क्रश कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हैं। आज हम लड्डू गुड़ में बनाएंगे। हमने यहाँ पे 1 कप गुड़ लिया है बारीक तोड़ करके। अब हम डाल देंगे पानी। पानी हम डालेंगे आधा कप। 1 कप हमने गुड़ लिया है तो आधा कप हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। गुड़ की चाशनी तैयार कर लेंगे। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, अभी हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ घुल चुका है और गुड़ एकदम साफ है क्योंकि इस समय नया गुड़ आ रहा है। अगर आपके गुड़ में कुछ गंदगी हो तो आप इसको इस समय छान सकते हैं क्योंकि अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है। चाशनी तैयार होने के बाद में छानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप इसको इस समय छान सकते हैं। देखिए, हमारी गुड़ की चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हमने गैस के फ्लेम को कम कर दिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे कुटी हुई 1/2 चम्मच काली मिर्च। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने यहाँ पे काली मिर्च डाली है। साथ ही हम डाल देंगे 1/2 चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर है। इलायची के पाउडर को और काली मिर्च पाउडर को हम गुड़ में मिक्स कर देंगे। वैसे भी काली मिर्च तो खानी चाहिए क्योंकि ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं और गुड़ के साथ में इसका तीखापन कम हो जाता है। ये देखिए, हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। एक तार की चाशनी बन चुकी है, आपको चेक करके बता देते हैं। बहुत अच्छे से तार बन के तैयार हुआ है। अब हम डाल देंगे इस स्टेज पर 1 पिंच सोडा
बहुत ज्यादा नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी चाशनी है थोड़ी फ्लफी हो जाएगी। ये देखिए कलर में भी चेंज आ गया चाशनी के, और थोड़ी फ्लफी हो जाएगी, तो इससे लड्डू बहुत सॉफ्ट बनते हैं और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनके ऊपर कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अब हम तैयार किए हुए ड्राई फ्रूट्स को चाशनी में मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। सभी ड्राई फ्रूट्स हमने चाशनी में डाल दिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने में जितने आसान हैं उतने ही खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर गुड़ की कोटिंग हो गई है। आप चाहें तो यहाँ पे एक चम्मच घी भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पे घी नहीं डाला है क्योंकि हमने फ्राई करने में ही घी काफी सारा ले लिया था। इस समय हमारा लड्डू का जो मटेरियल है वो बहुत तेज गर्म है, तो नॉर्मल टेम्परेचर तक होने तक हम वेट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स लड्डू का मटेरियल हमारा ठंडा हो चुका है, आइए अब लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए आप हाथों पे घी या पानी लगा लें, इस तरह से आप इनको चिकना कर लें या पानी लगा लें, गीला कर लें हाथों को और इस तरह से लड्डू बनाएं, ताकि इससे क्या होता है गुड़ हाथों में चिपकता नहीं है। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारा लड्डू बनके तैयार हुआ है। आप जिस साइज का चाहें उस साइज का बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है ड्राई फ्रूट लड्डू बनाना। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी हैं। आपको पास से दिखाती हूँ कितने बढ़िया हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं, और सर्दियों में इनको आप जब चाहें तब फटाफट से बना सकते हैं, बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स हमारे ड्राई फ्रूट्स लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। आप रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें, और हम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।